तू आ जा मेरी अखियों क्या हुआ? सॉरी, अब देख रही थी इसलिए डर गई। सब ठीक है ना? ऐसे ही घबरा गई। वो 2 बज गए, आप लंच कर लें, फिर उसके बाद आपको पार्लर में भी लेके जाना है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरी फिक्र ना करें, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगी। यहाँ पे शादी से खुश नहीं है ना? खुश तो आप भी नहीं है। बात कहूं आपसे? झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, ये बात सच है कि मैं सारा के साथ बहुत आगे तक चला गया था, इसलिए वापसी में कुछ वक्त तो लगेगा ना। मैंने आपसे कब कहा है कि आप सारा को भूल जाएं? कह सकती हैं आप, हक है आपका। मेरा यकीन करें, अगर ये सब जल्दी में ना हुआ होता तो मैं खुद को ज़हनी तौर पे तैयार करता इस शादी के लिए, ताकि आपके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती ना हो। ज्यादती तो फिर भी हो गई। पता नहीं किसके साथ। सारा के साथ, आपके साथ या फिर मेरे साथ। भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आ जा मेरी अखियों में, कितने और नजर
अल्लाह का शुक्र है। क्या साहब खैरियत की वलीमा हो गया? जी अम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह का शुक्र। हमारे बेटे की कमी किसी ने महसूस नहीं की। किस लिए महसूस करते उसकी कमी? जो कुछ वो करके गया है उसको कोई याद रख सकता था? कुछ भी सही अम्मा, वो इस घर का बेटा है। अगर वो इस घर का बेटा होता तो यूं सबको बेइज्जत करके नहीं जाता। अम्मा रहने दें, भुला दें पिछली बातों को। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस घर की इज्जत रह गई। अल्लाह हमारे हन्नान को हमेशा खुश रखे। आमीन। अम्मा सही कह रही हैं आप, हमजा ने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा ही नहीं। हन्नान ने अलबत्ता इस घर की इज्जत संभाल ली। भाईजान, अगर आप सब लोग बुरा ना माने, हम इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। अगर अबीर ने सुन लिया तो उसे बहुत दुख होगा। बिल्कुल ठीक कह रही है मारूफ, अब इस बात को इस घर में कोई नहीं दोहराएगा। जो खुश है वो भी नहीं। और जो नाखुश है वो भी नहीं। वैसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? दोस्ती करेंगी मुझसे? दोस्ती? जी, शादी तो हम अपनी मर्जी से कर नहीं पाए, दोस्ती अपनी मर्जी से कर लेते हैं। सारा के साथ भी आपकी ऐसे ही दोस्ती थी ना? दोस्ती तो नहीं थी, इसलिए कभी कुछ कह ही नहीं पाए एक दूसरे को। बहुत ही अजीब रिश्ता था आप दोनों का। ऐसी भी क्या मोहब्बत कि एक दूसरे को बताया तक नहीं। कुछ ज्यादा ही अजीब थी। गलत किया आपने ये। सब जो होना था हो गया है। इस बात को छोड़ें, आप ये बताएं हम दोस्त बन सकते हैं? Friends? Friends. हम दोनों उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन हमारे दिल इस रिश्ते को दिल से कबूल करें। डन? डन।
इतना समझाता था कि छोड़ दे अपने उसूलों की जान, बोलते कहते इजहार करते बता दे उसे कि तू मोहब्बत करता है उससे, पर नहीं, तुझे तेरी खामोशी ले डूबी है। मैंने तुझे हमेशा कहा कि सही वक्त है, बता दे उसको, पर नहीं, तू नहीं मानता था। ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, किसी की नहीं सुनता है। रंगों में खो याद है, फिर भी अकेला है। बाजी अपनों से हारा, वो जिसे खेला है। मिलना बिछड़ दे जैसा, पाना भी खोना है। ये ही जीवन है, हंसना है कभी रोना है। मन मर्जियां खुद खर्जियां, आंखों ने की जो अर्जियां, लिखे देखे उनमें गम ही गम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आ जा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं। तुझे मेरी ये उम्र लग जावे, तू आ जा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे। सुनहरा सपना आंखों का धोखा था, सच न समझूं मैं, दुनिया ने मुझे रोका था। वो था नसीबा मेरा मुझसे जो रूठा था, रिश्ता जिससे भी जोड़ा था वो ही टूटा था। सब ख्वाहिशें थी साजिशें, खुद ही मुझे लगने लगी, हंसने वाली आंखें अपनी नम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आ जा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं। तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। फिरोजा, मेहमान खाने की सफाई हो गई है, वकील साहब आने वाले एक घंटे में। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, ये हटाएं यहाँ से। की तैयारी है, बाहर रखें। यूनिवर्सिटी जा रहा दादा। अरे क्यों दादा? वो पहली काफी क्लासेस मिस हो गई हैं, फाइनल सेमेस्टर चल रहा है ना। हाँ बेटा, लेकिन अभी आपकी शादी को दिन ही कितने हुए जो आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। ये कहाँ लिखे है कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं कर सकते? हनान आप जरूर जाइए, भाभी पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चले, एक वोट तो मेरी तरफ हुआ। हमने कब मना किया आपको कि आप ना पढ़े, लेकिन दो चार दिन तो हुए हैं शादी को, आप आज चले जाएंगे तो अबीर क्या सोचेंगी? भादो वो माइंड नहीं करेंगी, वो सो रही हैं। अरे तो आपको उन्हें उठाना चाहिए था ना, ताकि वो आपको जाने में मदद करती। नहीं वो पहले भी तो खुद ही तैयार होता था, खाम खान की नींद डिस्टर्ब होगी। ख्याल देख रही हैं आप, अभी से कितना ख्याल है। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। नाश्ता तो करते जाइए। अमीना नाश्ता लगवाया? नहीं दादो, मैं यूनिवर्सिटी में कर लूंगा, देर हो जाएगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। घर में नाश्ता करके जाना चाहिए। अम्मा हुजूर आइए, नाश्ता लग गया बस, बाकी सब भी है शायद वहाँ। फरा और फराज को बुला लीजिए। जी जी, मैंने बता दिया है उन्हें। गाइस, शमीर ने मुझसे मांगा रुकैया का नंबर और मैंने इसको चिपका दिया मिस आसिया का नंबर। इसने रात को 3 बजे फोन किया, बोला हेलो डार्लिंग। अरे गाइस लुक,
Who is here? अरे मेरे दोस्त हनान, कैसे है मेरे दोस्त? तू कहाँ यहाँ आज? खैरियत? Welcome back, welcome back. हनान, ये क्या कहानी हुई? हमजा के बजाय तुम दूल्हा बन गए? अरे हाँ, हनान, यार बॉस, कहानी क्या है? कहानी बस ये कि कहानी खत्म हो गई है। सारा, मुझे आपसे बात करनी है। बात? अब क्या रह गया बात करने को? कुछ बताना है आप? कुछ कहने को, बताने को क्या रहे थे? सारा प्लीज, फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, हम कहीं अकेले में बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? गलती शायद हम दोनों की थी। हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की। बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं मैंने आपके लिए। आप नहीं जानते अम्मी को मनाया, मेरी खुशी के लिए उन्होंने एंगेजमेंट भी खत्म कर दी। और फिर खैर छोड़े, जो होना था वो तो हो गया। आपकी शादी हो गई, मैं शादी नहीं करना चाहता था। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मजबूरन मुझे ये शादी करनी पड़ी है।
शादी से एक दिन पहले हमजा घर छोड़कर चला गया था, ये कहकर कि वो रबीर कंपैटिबल नहीं है। मेरे सब घर वाले बहुत परेशान थे, उन सबको मुझसे एक्सपेक्टेशन थी। जानते हैं मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, मैं तो आपसे राजी कैसे हो गया शादी के लिए आप? ठीक नहीं कर रहे आप अपने वाइफ के साथ। कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। एक बात कहूं, अगर मैं अपनी एंगेजमेंट खत्म कर दूं तो क्या आप छोड़ देंगे? अपनी वाइफ को? मेरे लिए? परेशान मत हो, मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। सब में अबीर का क्या कसूर है? कसूर तो किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं है। एक्सक्यूज मी सारा, कुछ नहीं, ना ख्याल रखिएगा। जो था सुनहरा सपना, आंखों का धोखा था, सच न समझू मैं, दुनिया ने मुझे रोका था, वो था नसीबा मेरा, मुझसे जो रूठा था रिश्ता।
रास्ता जिससे भी जोड़ा था वो ही टूटा था। सब ख्वाहिशें थी साजिशें, खुद ही मुझे लगने लगी हंसने वाली आंखें अपनी नम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आ जा मेरी अखियों में, भैया पौधों में पानी ठीक से नहीं डाल रहे हैं, सारे पौधे सूख रहे हैं और ये सूखे हुए पत्ते भी निकालें। नानो नानो। अरे उठ गई मेरी गुड़िया। नानो ये सब लोग कहाँ हैं? न सलाम न दुआ। और ये हुलिया क्या बनाई हुई? दो दिन शादी को हुए, कपड़े तो ढंग से पहनो। सलाम अलैकुम नानो। लेकिन वो शादी के जो भारी भारी कपड़े हैं ना, वो मैं पहन के थक गई थी, मैं नहीं पहन सकती वो सब। बेटा चार दिन की तो बात, पहन लो फिर उसके बाद अपनी मर्जी से पहनती रहना। अच्छा वो सब तो ठीक है, मैंने आपसे ये पूछा था कि सब लोग कहाँ हैं। सब लोग कौन? अल्लाह नानो आप भी पता नहीं क्या समझ रहे हैं। हनान का तो मुझे पता है कि वो यूनिवर्सिटी गए, लेकिन बाकी सब लोग कहाँ गए हैं? अरे कोई शौहर का नाम लेता है अपने, हमारे जमाने में तो बहुत बुरा समझा जाता था। अच्छा फिर आपके जमाने में क्या कहते थे? हम तो इस तरह बात करते थे, अरे सुनिए बैठिए ये खा लीजिए, इनसे ये बात कहनी है उनसे ये बात। बस बस नानो ये इतने आर्टिफिशियल चीजें मैं नहीं कर सकती। अरे आर्टिफिशियल नहीं है ये, तो शोहर की इज्जत होती है। हाँ लेकिन इससे बेहतर नहीं है कि इंसान दोस्ती कर ले? तुम्हारी दोस्ती हुई? जी पहले नहीं थी अब हो गई है। अच्छी बात। लेकिन बेटा बीवी को ये भी तो पता होना चाहिए कि उसका शौहर कहाँ गया है, कब आएगा, किससे मिल रहा है। नहीं नानो मैंने सोचा है कि मैं हनान की लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगी, अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं उनसे इस तरह का कोई सवाल नहीं करूंगी। खैर मुझे बहुत भूख लगी है नानो, मुझे नाश्ता चाहिए ना। तुम जाओ मैं भिजवाती हूँ। ओके। फिरोजा फिरोजा अबीर का नाश्ता बनाओ। अपनी धुन में सारे गुम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आ जा मेरी अखियों में, कित और ना नजर लगती जावे के मांगू तुझे रब से। लड़ाइयाँ लड़ी हैं मैंने आपके लिए, आप नहीं जानते। अम्मी को मनाया, मेरी खुशी के लिए उन्होंने इंगेजमेंट भी खत्म कर दी, और फिर
हैं। खैर छोड़े, जो होना था वो तो हो गया, आपकी शादी हो गई। एंगेजमेंट खत्म कर दूं तो क्या आप छोड़ देंगे? अपनी वाइफ को मेरे लिए? मामा, आई मिस यू टू मेरी जान। हम रोजाना स्काइप पे बात किया करेंगे ना अबीर, इसमें टेंशन की क्या बात? बस अपनी जगह बनाइएगा, प्यार से, मोहब्बत से। बस हमें किसी के सामने शर्मिंदा मत करवाइएगा। आपको क्या लगता है कि मैं आपको कभी भी किसी के भी सामने शर्मिंदा करवाऊंगी? कभी नहीं जान। फिर ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे बस ऐसे ही, हर माँ की तरह मैंने भी आपको लेक्चर दे दिया। एक तो इतनी दूर मुझे अकेला छोड़कर जा रही है, मुझसे लेक्चर भी दे रही है। आपका जोड़ यही लिखा हनान के साथ। जोड़ तो आपने हमजा के साथ बनाने की कोशिश की थी ना, क्या हुआ? चला गया ना मुझे छोड़कर? फंस गए बेचारे हनान। आप ठीक कह रही हैं। मगर अब इन बातों में क्या रख? अबीर, आप खुद ही कहती हैं ना, मूव ऑन। अबीर, मूव ऑन। Thank you.
कहीं जा रही हैं आप? हाँ, मैं मॉम के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे, आप रेस्ट करें, अभी आए हैं थक कर। नहीं नहीं, I'm fine, मैं छोड़ देता हूँ आपको। सारा से कोई बात हुई है क्या? नहीं, सारा से क्यों कोई बात होनी है? परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, I'm fine। आप जाएं, आपको देर हो रही है। जा मेरे